मदरसा खैरुल इस्लाम के भवन का मरम्मती कार्य शुरू, बच्चों की पढ़ाई भी हुई प्रारंभ। हाजिर हूं मैं शेख मुजाहिद हुसैन आबादी आरबीसी चैनल के माध्यम से। इस वक्त की बड़ी खबर में आपको बता दूं कि हुसैनाबाद नगर पंचायत बाजार स्थित अंबेडकर चौक के करीब मदरसा खैरुल इस्लाम में इन दिनों मरम्मती कार्य प्रारंभ कराया गया है। बताया जाता है कि इस कार्य को निजी तौर पर लोजपा के नगर अध्यक्ष मोहम्मद अली उर्फ डबली करा रहे हैं। कई बरसों से बच्चों की पढ़ाई बाधित थी और बंद थी, इस पर उन्होंने पहल की और बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ भवन के मरम्मती कार्य का भी जिम्मा उठाया है। आप देख सकते हैं लाइट के साथ साथ कहीं कहीं पर भवन क्षतिग्रस्त होता दिख रहा था, उसकी मरम्मत कर पेंट कराने का भी कार्य किया जा रहा है। कई लोग इस कार्य में लगे हुए हैं और मशक्कत के बाद सुधार देखने को भी मिल रहा है। मोहम्मद अली उर्फ डबली के अनुसार कहा जाता है कि 50 बच्चे लगभग अभी नए एडमिशन के तौर पर आए हुए हैं, जिनकी तालीम शुरू है और उन्हें तालीम दी जा रही है। फ़िलहाल तालीम के साथ साथ वहाँ की सर सफाई और बागबानी का भी कार्य किया जा रहा है। बने रहिए आरबीसी चैनल पर, कराते रहेंगे हम आपको हर हकीकत से रूबरू। अगर आप आरबीसी चैनल से नहीं जुड़े हैं तो बेहतर खबरों के लिए आरबीसी लाइक करना, सब्सक्राइब करना।